कोविड-19 वैश्विक महामारी के पड़ने के बाद भारत सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन में बंद पड़े होटलों को अनलॉक में अनुमति मिलने के बाद सभी होटल खुल चुके हैं। साथ ही शासन द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए होटल संचालक अपने होटलों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में होटल पर तैनात मैनेजरों ने बताया कि जो भी यात्री उनके होटल पर ठहरने के लिए आ रहा है वह उसका सर्वप्रथम हाथ सैनिटाइजर कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग कर उसका टेम्परेचर नाप रहे हैं। उसके बाद उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। साथ ही जो भी कमरा उन्हें मुहैया कराया जा रहा है उसकी पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद सैनिटाइजेशन करने के बाद ही यात्रियों को उस कमरे में रहने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही मैनेजरों ने बताया कि होटल खुल तो गए हैं लेकिन पहले की अपेक्षा अभी कोई बेहतर कार्य नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक सभी ट्रेनें नहीं संचालित होंगी तब तक हमारा कार्य इसी तरह प्रभावित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होटल के मैनेजरों ने कहा। पवन श्रीवास्तव का असर पड़ा है उसमें। हमारे होटल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमारे होटल बंद थे हैं। उसमें कोई कहाँ की किसी की भी एंट्री हम लोग नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा और शुरू से सब चीज़ बंद था। सिर्फ हम लोग आपस में एक बाहर पड़े रहते थे। कोई किसी का कोई वो नहीं था। अब आप लोगों को जैसे होटल खुलने की अनुमति मिल गई है, इस दौरान क्या कुछ होटल खुलने को अनुमति मिली है तो हमको ये गाइडलाइन प्राप्त हुआ है कि हम जो है थर्मल स्क्रैन रखें और जो उसको सैनिटाइजर रूम को सैनिटाइज करें। सारे रूम को जब खाली होते हैं तो रूम को सफाई करके सैनिटाइज करके अगले कस्टमर को हम दें और सारे रूम के कस्टमर की आईडी लें और सबका जो सारे जो फ़ोन नंबर है उनका आईडी का फोटोकॉपी है हम लोग सब सुरक्षित रखें और सब सारे कस्टमर को हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबको जो अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करें। किसी के पास कोई दिक्कत है तो उसको हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर सांस खुलने की बीमारी है तो उसको हम हाथ जोड़ के मना करें कि भैया अब आप पहले अपने इलाज कराइए उस बाद हमारे होटल पे आइए। जी पहले की अपेक्षा बिजनेस पे कितना असर पड़ा? पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि कोई कस्टमर से सारे कस्टमर सभी जो लोग हैं डरे हुए हैं अभी होटल से आने से लिए क्योंकि अभी सबको अभी उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी उतने उनको फॉलो सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है। जी मनोज कुमार, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हम लोग बिजनेस पे और जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारा होटल बंद था और जब से अभी अनुमति मिली है जो होटल खोलने का तो हम लोग खोला गया है। अब जो भी सरकार वो दिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वो सब किया जा रहा है। अपना रूम सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसका आईडी दिया जा रहा है, उसके बाद रूम दिया जा रहा है। अगर कोई संदिग्ध जैसे सांस खोलने या बीमार मरीज आ जाता है कस्टमर बन के तो उस दौरान आप लोग क्या करते हैं? नहीं सर, उसको तो पहले हम लोग थर्मोमीटर से चेक करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम रूम नहीं देते हैं, उनको वापस कर देते हैं। अब पहले की अपेक्षा अब बिजनेस किस तरह से चल रहा है? अभी तो बहुत एकदम डाउन चल रहा है। अब जब से खुला है थोड़ा बहुत यही समझिए कि 100% में 25% चल रहा है। अभी तो चलाया जा रहा है।